हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका अपना इंजीनियर पीसी मीना घुसराना। मैं गरीब छात्रों के लिए लेके आया हूँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 8। आज हम रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी डीसी सर्किट्स या रेजिस्टेंस के कनेक्शन कितने प्रकार से करते हैं। दोस्तों नमस्ते, अभी अपन बात करते हैं डीसी सर्किट्स की। तो डीसी सर्किट या अपन कह सकते हैं डीसी सर्किट्स या कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि अपन 10वीं में पढ़ते आए हैं। दोस्तों कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से अपन कर सकते हैं दोस्तों? तो प्रतिरोधों का संयोजन अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में संयोजन। कोई भी डीसी सर्किट में कोई भी डिवाइस को भी दो तरीके से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में, इससे सीरीज कनेक्शन कहते हैं दोस्तों, जिसे पैरेलल कहते हैं इंग्लिश की बात करें। तो अपन आज एक एक को डिस्कस करते हैं। डीसी सर्किट्स हो या डीसी सर्किट्स भी दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी समांतर या कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों के संयोजन दो तरीके से करते हैं, श्रेणी में और समांतर में। जैसे कि अपन को ज्ञात है घरों में टीवी कूलर पंखे समांतर में जुड़े रहते हैं, तो अपन पहले बात करते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम परिपथ कह दो। श्रेणी क्रम का दूसरा नाम होता है माला क्रम, श्रृंखला क्रम। श्रृंखला में संयोजन है, श्रेणी क्रम में है या माला क्रम में है ये सब। या अपन डीसी सीरीज सर्किट कह सकते हैं प्रतिरोधों का सीरीज संयोजन, ये सब अपन इसे कह सकते हैं दोस्तों। तो श्रेणी संयोजन क्या होता है या डीसी श्रेणी परिपथ क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट इस प्रकार संयोजित हो कि उनमें धारा का मान क्या हो दोस्तों, समान हो, कि उनमें धारा प्रवाह एक समान हो, तो इस प्रकार के परिपथों को या एलिमेंटों को अपन श्रेणी परिपथ कहते हैं। जब दो या दो से अधिक, अपन यहाँ प्रतिरोधों की बात कर रहे हैं तो R लिखेंगे। जब यहाँ दो दो या दो से अधिक प्रतिरोध, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हो, इस प्रकार जुड़े हो कि उनमें धारा प्रवाह, उनमें धारा प्रवाह एक समान हो। धारा प्रवाह क्या हो दोस्तों? एक समान हो तो मैं श्रेणी क्रम या श्रृंखला, तो इसे श्रेणी क्रम श्रृंखला या माला क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम श्रृंखला या माला क्रम संयोजन कहते हैं। अब अपन देखते हैं, जैसे अपन ने तीन प्रतिरोध ले लिए, पहला R1 है दोस्तों, दूसरा R2 है, और इसको अपन ने बैटरी से संयोजित कर दिया। तीन प्रतिरोधों को, पहला प्रतिरोध का मान R1 है दोस्तों, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। तो अपनी, और ये इसमें I करंट जा रहा है, तो अपनी परिभाषा ये अपन ने कोई बैटरी जोड़ दी V वोल्ट की। तो अपनी परिभाषा ये बताती है दोस्तों कि जब तीन दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हो कि उनमें धारा प्रवाह का मान क्या हो, एक समान हो, तो इस प्रकार
प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रृंखला संयोजन या माला क्रम में संयोजन कहते हैं। बाकी अपन दसवीं की बुकों में दोस्तों पढ़ते आए हैं कि जब तीन प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हो, पहला प्रतिरोध आर वन का पहला सिरा बैटरी के प्लस ध्रुव से, पहले प्रतिरोध आर वन का दूसरा सिरा, इसका ये दूसरा सिरा हो गया, दूसरे प्रतिरोध आर टू के पहले सिरे से, आर टू का दूसरा सिरा आर थ्री के पहले सिरे से, और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो। तो दोस्तों इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं, ऐसा दसवीं की बुक में भी लिखा हुआ है। और ये परिभाषा भी सही है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हो तो इनमें धारा प्रवाह एक समान हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजन या माला क्रम कहते हैं। तो दोस्तों अब जैसे वी वोल्ट की बैटरी से तीन प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ रहे हैं, इसको जोड़ा गया है, तो आई करंट है, करंट का मान श्रेणी में समान होता है, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे क्या क्या समान रहता है। तो वी वोल्ट की बैटरी में जब इस सप्लाई को जोड़ा है, आई करंट जाएगा, तो दोस्तों ये वी वन ड्रॉप करेगा, इसमें से वी में से वी वन को नष्ट कर देगा, खा जाएगा, ये वी टू वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये प्रतिरोध वी थ्री करेगा, क्योंकि प्रतिरोध धारा के मान को कम करता है, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों करता ही है। तो श्रेणी परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप निकालें, श्रेणी क्रम में कुल वोल्टेज ड्रॉप सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो अपन यहां V कुल वोल्टेज ड्रॉप VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। दोस्तों क्या आएगा, VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। अब दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम से V बराबर क्या होता है, दोस्तों ये त्रिभुज है, तो यहां से V बराबर क्या है, V को दबा लेंगे तो क्या है दोस्तों, IR, V बराबर क्या होता है, IR। तो VT बराबर ज्ञात करेंगे अपन, VT बराबर हो जाएगा I का कुल करंट परिपथ का और RT कुल प्रतिरोध सभी का, तो VT बराबर हो गया IRT। ऐसे ही R1 बराबर ज्ञात करें अपन, V1 बराबर ज्ञात करें, तो V1 बराबर हो जाएगा I करंट सब में समान नहीं, और V1 किसका ड्रॉप है, R1 का, तो IR1 दोस्तों। ऐसे ही V2 बराबर हो जाएगा IR2 दोस्तों, और V3 बराबर हो जाएगा दोस्तों IR3। तो ये V1 V2 VT के VT के मान यहाँ पे रख देंगे, तो मान रखने पर दोस्तों, मान रखने पर अपन यहाँ पे मान रखेंगे, तो मान रखने पर VT के बराबर आ गया IRT, V1 की जगह रख देंगे IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। यहां से दोस्तों आई अपन बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री दोस्तों, तो आई से आई कट जाएगा, इसलिए आर टी बराबर क्या आ गया दोस्तों, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो जब तीन प्रतिरोध दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी में माला क्रम में जुड़े हो, तो उनका तुल प्रतिरोध निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सबको जोड़ देते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध अपना आ जाता है। तो ये था दोस्तों तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं जब श्रेणी में होते हैं, तब तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी संयोजन में माला क्रम संयोजन में। अभी इसके अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं, श्रेणी क्रम में क्या क्या समान है। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ खाया होगा, तुल्य प्रतिरोध आर टी बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपन ने श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाला था आर टी बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये अपना निकल के आ गया। तो अब श्रेणी क्रम में क्या क्या नोटेड पॉइंट थे, श्रेणी में आई का मान समान रहता है, तो श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है दोस्तों, आई का मान समान रहता है, आई का मान समान रहता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में आई का मान समान रहता है। दूसरा पॉइंट है कि श्रेणी में लगे प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर हमेशा
जैसे दोस्तों अपन बात करें, तीन प्रतिरोध हैं 10, 20 और 30 ओम के, तीन प्रतिरोध हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 कितने आ गए दोस्तों, 60 ओम आ गया। अब अपन इनमें से एक प्रतिरोध हटा देते हैं, 10 ओम 20 ओम और इसको हटा देते हैं, अपन 30 को हटा देते हैं, तो 30 अपन ने हटा दिया, 30 को हटा दिया दोस्तों, 30 ओम के प्रतिरोध को हटा दिया, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 10 ओम प्लस 20 ओम अर्थात 30 ओम। तो ये 60 ओम आ रहा था, अब कितना आ रहा, 30 ओम, अर्थात श्रेणी में लगे प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध हटाने पर तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा घटता है, हमेशा क्या होता है दोस्तों, घटता है। अब बात करें अपन, प्रतिरोध का मान हमेशा घटता है और करंट का मान हमेशा बढ़ता है। अगर वह करंट की पूछे कि प्रतिरोध का एक प्रतिरोध हटाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, तो प्रतिरोध का मान तो घटता है दोस्तों और करंट का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान घटता है और प्रतिरोध घटेगा तो करंट का मान बढ़ता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है, हमेशा सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है दोस्तों। एग्जाम में टाइम नहीं होता है और अपन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अपन उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो जैसे जैसे ये अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया 10 20 30 ओम, ठीक है दोस्तों, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आया, 10 20 30 कितना आया, 60 ओम आया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी में तुल्य प्रतिरोधों तुल प्रतिरोध हमेशा सबसे अधिक मान का प्रतिरोध से भी अधिक होता है, अर्थात 10 20 30 इनमें सबसे अधिक मान का क्या है, 30, तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होगा दोस्तों। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, यदि अपन को एग्जाम में क्वेश्चन टाइट आ जाए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल दो लेते हैं, अपन को क्वेश्चन आ जाए तीन प्रतिरोध है, 1 किलो ओम 20 किलो ओम और 40 किलो ओम, ठीक है दोस्तों, के तीन प्रतिरोध हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ऐसे एग्जाम में एग्जाम्पल दे दे वो 15 किलो ओम, बी में दे दे 25 किलो ओम, सी में दे दे 45 किलो ओम और डी में कोई नहीं। तो अब दोस्तों ऐसे ऑप्शन दे दे तो अपन को बेसिक दिमाग का कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी की बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में या माला क्रम में या सीरीज में तुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे अधिक मान से अधिक होता है, तो सबसे अधिक क्या है, 40 किलो ओम, तो इसमें 40 किलो ओम से बड़ा उत्तर क्या है, ये तो अपन कॉमन सेंस यूज लेना है, जो सबसे बड़े मान से अधिक उत्तर होगा वही होगा अगर श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध पूछता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे अपन बात करते हैं कुल श्रेणी में लगे प्रतिरोधों, जैसे अगला पॉइंट की बात करते हैं, यदि समान मान के n प्रतिरोध श्रेणी में लगे हो, यदि समान मान कुछ भी मान लो, जैसे r मान लेते हैं, यदि समान मान के समान मान क्या मान है दोस्तों अपन, r, यदि समान मान r के n प्रतिरोध, समान मान r के n प्रतिरोध श्रेणी में लगे हो, श्रेणी में लगे हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यदि समान मान के, समान मान क्या माना है अपन ने, आर के एन प्रतिरोध श्रेणी में लगे हो तो तुल्य प्रतिरोध होगा दोस्तों आर टी बराबर आर बटे एन, क्या होगा, आर टी बराबर आर बटे एन।
अगर समान मान आर के एन प्रतिरोध श्रेणी में लगे हो तो तुल्य प्रतिरोध होगा दोस्तों आर टी बराबर आर बटे एन। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं दोस्तों, ये 10 ओम के 10 प्रतिरोध, 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी में, सॉरी आर बटे एन नहीं होगा, एन आर होगा, सॉरी क्या होगा, एन आर। तो अपना तुल्य प्रतिरोध जो होगा आर टी बराबर एन आर। यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी में लगे हो, यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो तुल्य आर होगा। अब जैसे ये कोई एग्जांपल है, 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो तुल्य आर होगा। तो दोस्तों आर टी बराबर क्या है, एन इंटू आर। अब यहाँ पे एन का मान 10 है और समान प्रतिरोध किस मान के हैं, 10 ओम के, मतलब 10 ओम के ही हैं, 10 ओम 10 ओम 10 ओम ऐसे, तो उनका मान सबका समान है 10। तो एन का मान 10 हो गया, आर का मान 10 हो गया, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 10 ओम के 100। तो 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी में हो तो उनका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, 100। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि समान मान आर के एन प्रतिरोध श्रेणी में लगे हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध आर टी बराबर हमेशा एन आर होता है दोस्तों। तो ये श्रेणी के कुछ वे थे। अभी एक पॉइंट और रह रहा है, श्रेणी में चालकता पावर कैसे निकालते हैं उसको भी देखते हैं, इसको नोट कर लो एक बार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला श्रेणी संयोजन का अगला पॉइंट है कुल चालकता निकालनी हो तो जी टी बराबर 1/RT। तो यहाँ पे आर टी श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध है, तो श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 + R2 + R3। तो आर टी की जगह ये रख देंगे तो ये अपनी कुल चालकता आ जाएगी श्रेणी में, और श्रेणी में कुल पावर हमेशा ऐसे निकालते हैं। हमसे कोई पूछे कि दो बल्ब हैं, एक 100 वाट के हैं, 100 वाट के दो बल्ब हैं श्रेणी में संयोजित हैं, तो इनमें से तेज प्रकाशित कौन सा होगा। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, इनको करंट बराबर मिल रहा है, इनका प्रतिरोध भी बराबर होगा, तो इनमें तेज प्रकाशित कौन सा होगा। तो पहले वाला बल्ब तेज प्रकाशित होता है या अलग वाट के होते हैं, ये 200 वाट का होता और ये 100 वाट का होता, तो तेज प्रकाशित कौन सा होगा दोस्तों। तो इस स्थिति में तेज प्रकाश देगा 100 वाट का, क्योंकि इसका आर अधिक होता है। क्यों देगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा इसलिए। और कम प्रकाश कौन सा देगा दोस्तों, इसका कम प्रकाश देगा 200 वाट का, क्योंकि इसका आर क्या है, कम है। ठीक है दोस्तों, और इनकी कुल पावर निकाले श्रेणी में, कुल पावर इस सूत्र से निकलेगी 1/PT बराबर 1/P1 + 1/P2। तो 1/100 + 1/200, अर्थात श्रेणी में संयोजित डिवाइसों की कुल पावर हमेशा सबसे कम पावर के बल्ब से भी कम आती है। अगर ये समान मान के होते 100 वाट के, तो श्रेणी में खर्च कुल पावर किसी एक मान, मतलब सबसे कम मान क्या है 100, तो इसके भी आधी हो जाती है 50 वाट दोस्तों। तो ये था श्रेणी क्रम, मात्रा क्रम, श्रृंखला क्रम में संयोजन। अब देखते हैं समांतर क्रम में संयोजन, जिसे कि अपन पार्श्व क्रम कहते हैं दोस्तों, पार्श्व। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन या समांतर सर्किट किसे कहते हैं। श्रेणी सर्किट क्या था कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट इस प्रकार जुड़े हो कि उनमें धारा का मान समान हो, तो श्रेणी सर्किट कहलाता था। समांतर में दोस्तों V समान रहता है, समांतर में किसका मान समान रहता है, V वोल्टेज का मान समान रहता है। समांतर परिपथों में हमेशा V मीन्स वोल्टेज का मान समान रहता है दोस्तों, वोल्टेज का मान समान रहता है। अर्थात दो या दो से अधिक एलिमेंट जब इस प्रकार जुड़े हो कि उनमें वोल्टेज का मान समान हो, दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हो कि उनमें V का मान समान हो तो उसे समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन। या अपन दसवीं की बुक में पढ़ते आए, जैसे तीन प्रतिरोध लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है दोस्तों,
ये आर थ्री, आर वन, आर टू, आर थ्री। जैसे कि अपन दसवीं के बुक में पढ़ते हैं, जब तीन प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित हो, तीनों का पहला सिरा एक साथ बैटरी के प्लस ध्रुव से और दूसरा सिरा एक साथ बैटरी के माइनस से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। ये दसवीं की बुक के अकॉर्डिंग है। दसवीं की बुक में क्या लिखा है दोस्तों, जब यह दूसरी परिभाषा, जब तीन आर इस प्रकार जुड़े हो, कि उनके पहले सिरे एक साथ बैटरी के पॉजिटिव से व दूसरे सिरे एक साथ बैटरी के नेगेटिव से जुड़े हो, तो उसे पैरेलल संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर संयोजन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज तो समान हो जाएगा तीनों प्रतिरोधों के अक्रॉस, क्या अलग है? करंट। तो समांतर परिपथ में इसमें कुल करंट याद करेंगे, आई आई टी मतलब कुल करंट आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। और आपके ओम के नियम से अपना यहाँ से आई निकालेंगे त्रिभुज से, तो आई दुबालेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, आई बराबर बी बटे आर टी। आई टी को निकालेंगे तो बी बराबर आई बराबर बी बटे आर टी। ऐसे ही आई वन निकालेंगे फर्स्ट ब्रांच का, तो फर्स्ट ब्रांच का प्रतिरोध क्या है आर वन, तो वी तो समान है तो वी बटे आर वन। ऐसे ही आई टू बराबर वी बटे आर टू, आई थ्री बराबर वी बटे आर थ्री। ठीक है दोस्तों, तो ये मान अपन यहाँ पर रख देंगे, ये मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी बटे आर थ्री बराबर वी बटे आर वन, वी बटे आर टू, वी बटे आर थ्री। अपन यहां से V बाहर ले लेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, V बाहर ले लिया तो एक बटे आर वन, एक बटे आर टू, एक बटे आर थ्री। दोस्तों V से भी कट जाएगा तो एक बटे आर टी बराबर एक बटे आर वन, एक बटे आर टू, एक बटे आर थ्री। ये समांतर में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, समांतर में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है दोस्तों। समांतर में सरल, समांतर में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, एक बटे आर डी बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। दोस्तों अब अपन यहाँ पे चालकता की बात करें तो चालकता वही जी बराबर एक बटे आर टी होता है। पहला कौन चालकता, चालकता जी टी बराबर एक बटे आर टी होता है। अपना आर टी बराबर क्या है, यहाँ एक बटे आर टी एक बटे आर वन ऐसा है, एक बटे आर थ्री। तो अपनी चालकता आ जाएगी जी टी बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है दोस्तों, अब अपन पावर की बात करें, दूसरा पॉइंट समांतर में पावर की बात करें तो पावर क्या हो जाएगी समांतर में, देखो दोस्तों पावर की बात करें दूसरा पॉइंट तो समांतर में कुल पावर PT बराबर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3। अर्थात जैसे दो या दो से अधिक बल्ब समांतर में लगे हो, जैसे ये बल्ब 220 वोल्ट सप्लाई से समांतर में संयोजित है, 100 वाट का है एक 200 वाट का है, तो दोस्तों इनकी कुल पावर निकालनी हो तो कुल पावर PT बराबर क्या हो जाएगी, 100 वाट प्लस 200 वाट। तो समांतर में जब कुल पावर की बात निकालते हैं तो सभी की पावर के योग के बराबर होती है, दो बल्ब हैं तो ये हो जाएगी 300 वाट। ठीक है, समांतर में कुल पावर का सूत्र क्या होता है, P1 प्लस P2। अब इसमें तेज प्रकाशित वाला तेज प्रकाश कौन सा देगा, कम प्रकाश कौन सा देगा, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो समांतर में तेज प्रकाश अधिक वाट वाला तेज प्रकाश देता है समांतर में, जो अधिक वाट हो
और जिसका आर क्या हो कम हो, तो कौन सा आया 3 वाट, 200 वाट वाला तेज प्रकाश देगा, कम प्रकाश कौन सा देगा कम वाट का समांतर, तो कम वाट का क्या है 100 वाट का कम प्रकाश देगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा अधिक। ठीक है, अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, समांतर में संयोजित प्रतिरोधों में से यदि एक प्रतिरोध अपन हटा लें तो तुल प्रतिरोध का मान श्रेणी में तो बढ़ता था, इसमें समांतर में हमेशा घटता है। यदि समांतर में संयोजित तीन प्रतिरोधों में समांतर में संयोजित तीन प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध समांतर में संयोजित तीन प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तुल प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। उसमें तुल प्रतिरोध का मान घटता था, इसमें तुल प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ता है, एंड करंट का मान घटता है। तुल प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो करंट का मान क्या होगा घटता है दोस्तों। चौथे इसके पॉइंट की बात करें, यदि समान मान जो कि अपन आर मान लेते हैं, समान मान आर के एन प्रतिरोध समांतर में लगे हो, एन प्रतिरोध दोस्तों समांतर में लगे हो, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, समान मान आर के एन प्रतिरोध समांतर में लगे हो तो तुल्य प्रतिरोध दोस्तों आर के बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे एन, क्या हो जाएगा एन बटे आर, एन हाँ नहीं आर बटे एन या एन बटे आर कैसे निकालेंगे बताओ, आर बटे एन करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे आर बटे एन। जैसे अपन यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं, 5 ओम के 5 प्रतिरोध प्रतिरोधों 5 ओम के 5 प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम में तुल्य आर होगा, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम है दोस्तों, तो पार्श्व क्रम में तुल्य आर हो जाएगा आर टी बराबर आर बटे एन। तो आर कितना है 5 ओम के हैं और एन मतलब कितने प्रतिरोध है 5, तो क्या निकलाएगा 1 ओम, आर टी बटे आर बटे एन। जब समांतर में समान मान आर के एन प्रतिरोध समांतर में लगे हो और तुल प्रतिरोध निकालना हो दोस्तों, तो सूत्र है आर टी बराबर आर बटे एन। यहाँ पे आर प्रतिरोध का मान है जो सभी का समान है और एन कितने प्रतिरोध लग रहे हैं वो है, तो यहाँ पे 5/5 1 ओम आ जाएगा। अब पांचवे पॉइंट की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटर, पांचवा पॉइंट, समांतर में हमेशा तुल प्रतिरोध क्या होता है, पांचवा पॉइंट की बात करते हैं, ऊपर लिख देता हूँ मैं, नीचे नजर नहीं आएगा दोस्तों। पांचवा पॉइंट है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम आता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम आता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, इससे सवाल अपना एग्जाम में टाइम कम होता है, जल्दी हो जाएगा। अब जैसे अपन एक उदाहरण लेके समझते हैं, एक उदाहरण लिया 1 ओम या आप ले लो 2 ओम 4 ओम और 6 ओम दोस्तों, तो इनका सॉरी ये श्रेणी में लगा दी मैंने, चारों छह समांतर में लग रहे हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे अपन,
इनका तुम प्रतिरोध निकालते हैं अपने दोस्तों, तो इनका तुम प्रतिरोध आएगा 1/8 बराबर 1/2, 1/4 और 1/6 दोस्तों। ठीक है, तो अब इसका अपन लघुत्तम ले लेंगे, 6 × 4 = 24, तो 2 × 12 = 12 और 4 × 4 = 20, 4 × 6 = 24 और 6 × 4 = 12, तो 1/8 बराबर आ गया ये। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आ गया 12 × 6 = 18 × 4 = 22/24, तो ये 2 × 11 = 12 और ये 2 × 12 = 12, तो अपन 11 में भाग देंगे 12 का, तो हमेशा क्या आएगा 11 में भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा, यहाँ पॉइंट लगा दिया दोस्तों, ये हो गया 110। अब 12 × 96 और 12 × 108 ऐसे कुछ होता है, 12 × 108 अर्थात पॉइंट 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है 12 × 120 है, 12 × 108, तो इसका मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम आता है। तो दोस्तों सबसे कम मान क्या है यहाँ, सबसे कम मान किसका है, सबसे कम मान है 2 ओम, तो उत्तर जो आएगा 2 ओम से कम आ रहा है, तुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या आएगा 2 ओम से कम आएगा दोस्तों, क्या आएगा 2 ओम से कम आएगा। सॉरी, ये आर टी बराबर यहाँ से निकालेंगे अपन, ये तो उल्टा कर दिया ना, 1/RT बराबर क्या हो गया 22/24, इसलिए आर टी बराबर हो गया 24/22, तो ये एक पॉइंट करके कुछ आएगा, तो तुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम आता है दोस्तों। जैसे कि एग्जामों में कई बार बड़े एग्जाम्पल आते हैं, अपन घबरा जाते हैं, जैसे 3 प्रतिरोध आ जाते हैं, 1 कूलम, 100 कूलम, 5 MΩ, 3 प्रतिरोध लग रहे हैं दोस्तों समांतर में, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, 1 कूलम, 100 कूलम, 5 MΩ का तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध। अब समांतर में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्तों, ऑप्शन में वो दे देता है 1000 ओम, बी में दे देता है 108 कूलम, सी में कुछ और दे देता है 1 MΩ और डी में दे देता है 5.5 MΩ। तो समांतर में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और एक ऑप्शन दे देता है वो 90 इसमें दे देता है 100 ओम, तो एक में दे देता है 90 ओम। ठीक है, तो अब श्रेणी में तो क्या होता था, सबसे अधिक मान से अधिक आता था उत्तर, अगर ये श्रेणी में होते तो ये आ जाता, समांतर में क्या है सबसे कम मान से कम, तो सबसे कम मान क्या है 100 ओम, तो इससे भी कम आएगा उत्तर, क्या आएगा 90 ओम। तो अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक ही ऑप्शन मिलता है जिसमें सबसे कम मान से कम उत्तर हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।